हाय फ्रेंड्स, मैं सुएब यूपी सीतापुर से। आज हमारे पास महिंद्रा की बुलेरो आई है, इसकी दो चाबियां बनानी है। एक चाबी है, एक चाबी और बनानी है हमें। आज आपको हम इसकी चाबी बना के दिखाएंगे एक्सहॉस्ट मिनी ओबीडी से। ये भी टूल बढ़िया है, इससे काम हो जाता है। लगभग मारुति महिंद्रा हुंडई इस टूल से काम हो जाता है। आपको चेक कराएंगे मिनी ओबीडी। मिनी ओबीडी में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ब्लूटूथ ये कनेक्ट हो रहा है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होके काम होगा। कैंसिल करेंगे इसको, बाकी हमारे टूल सारे अपडेट है, इसको कैंसिल कर देंगे। एमओ प्रोग्राम में जाएंगे, एमओ प्रोग्राम से महिंद्रा में जाना है मुझे। महिंद्रा में जाएंगे, ये केवल इसमें महिंद्रा दे रखा है, जैसे एक्स टूल में है इंडिया महिंद्रा दे रखा है और महिंद्रा अलग है, तो इसमें केवल महिंद्रा है, इसमें इंडिया महिंद्रा नहीं। तो मुझे न्यू सॉफ्टवेयर में जानना है। पिकअप में जाएंगे, पिकअप की चाबी बना रहे हैं, स्टार्ट करेंगे तो इसमें डाटा करप्शन दिखा रहा है, इसमें डाटा करप्शन दिखा रहा है न्यू सॉफ्टवेयर में। पिकअप में बुलेरो में जाके देखेंगे एक बार, बुलेरो में भी सेम दिखा रहा है, इसमें डाटा करप्शन है। तो फिर बैक जाएंगे और देखें इसमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं। इसमें लगभग महिंद्रा की सारी गाड़ियां हैं, जाइलो, एक्सयूवी, टीयूवी, लगभग सभी गाड़ियां हैं। सिलेक्ट बाय व्हीकल में जाएंगे, स्विच ऑन। इसमें तो बुलेरो है नहीं, तो मुझे जानना है न्यू एम्बुलेंसर में जाना है। अब केवल एम्बुलेंसर में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सेक्शन लोडिंग हो रहा है, लोड रहा है। अब हम जाएंगे टाइप में, टाइप में जाके देखेंगे काम होगा या नहीं होगा। टाइप वन में जाएंगे, ओके। इसमें भी करप्शन फेल हो रहा है, तो इसमें भी काम नहीं हो पाएगा। अब हम जाएंगे करेंगे ऑटो आइडेंटिफाई, ऑटो में जाएंगे, इग्निशन ऑन, ओके। ऑटो आइडेंटिफाई सक्सेस हो गया, ओके कर देंगे। अब तो इसमें टाइम बहुत लेता है, एक्सहॉस्ट मिनी ओबीडी में काम हो जाता है लेकिन टाइम बहुत ले लेता है, 10 मिनट चाहिए इसको। बाकी टूल अपने पास जो भी हैं उनसे 2 मिनट में काम हो जाता है, 2 मिनट में काम हो जाता है, इसमें 10 मिनट ले लेंगे कम से कम। तो इसको हमें स्किप करना पड़ेगा वीडियो को, वरना वीडियो ऐसे बनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर स्किप कर देते हैं। स्किप कर दिए, अब केवल सेकंड बचे हुए हैं। तो ये भी टूल बढ़िया है, लगभग सारा काम इस टूल से हो जाता है। महिंद्रा का भी काम हो जाता है, मारुति का भी हो जाता है, हुंडई का पिन कोड भी आसानी से रीड हो जाता है, इससे हुंडई का भी काम हो जाता है। तो टाइमिंग हो गया है, कम्युनिकेटिंग हो रहा है, कम्युनिकेटिंग हो गया। तो हमारी फर्स्ट की जो इग्निशन ऑन है वो चढ़ गई है, द फर्स्ट की प्रोग्राम सक्सेस, 212 प्रोग्राम सेकंड की। तो हम ओके कर देंगे। अब दूसरी चाबी बनानी है, इंस्टॉल नेक्स्ट की एंड स्विच इग्निशन ऑन विद इन 20 सेकंड के अंदर हमें ये चाबी निकाल के दूसरी चाबी लगानी रहती है। तो वो चाबी निकाल के दूसरी चाबी लगा के ओके कर देंगे, तो दूसरी चाबी भी हमारी चढ़ गई, सक्सेस दिखा, सक्सेस प्रोग्राम में। प्लीज स्विच इग्निशन ऑफ 2 मिनट, तो इग्निशन ऑफ करेंगे 2 मिनट, ओके कर देंगे। तो मुझे 2 मिनट वेट करना रहेगा, इसमें 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद दो चाबियाँ चढ़ जाएंगी इग्निशन ऑफ। इसमें कोई डीटीसी क्लियर करना नहीं रहता कि डीटीसी क्लियर करें, हम केवल प्रोग्राम की कर देंगे, ओके। तो चाबी हमारी बन गई, फर्स्ट चाबी से इग्निशन ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन, चेक लाइट देखो बंद हो गई, इसमें ब्लिंक कर रही थी अब बंद हो गई। गियर में गाड़ी, गियर छुड़ाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है चाबी से, दूसरी चाबी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी चाबी से स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। इग्निशन ऑन, इसमें भी लाइट बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट है। तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करो,
सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।